अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस के जो मौजूदा मरीज़ों की सूरत हाल है उसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं जो मीरपुर में पहला करंटीना सेंटर कायम किया गया न्यू सिटी में। इस वक्त हम करंटीना सेंटर के गेट पे मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो स्पोक्समैन है, यहाँ के जो हॉस्पिटल पैरामेडिकल जो हॉस्पिटल है उसके जो यहाँ पर स्पोक्समैन मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका सर? तारिक अजीज सर। तारिक साहब, हमें कोई ये बताएंगे जो ये करंटीना सेंटर इस वक्त जहाँ मौजूद है यहाँ पर कितने मरीज़ मौजूद हैं या पहले कितने थे, उनके टेस्ट कितने मरीज़ों के हुए हैं और जो अभी तादाद आपके पास दादोशुमार क्या है वो? सर, आज से 15 दिन पहले तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 5 सस्पेक्टेड पेशेंट लाए गए थे। ठीक है। उसमें से एक पॉजिटिव था, वो हॉस्पिटल में न्यू सिटी में चला गया है। ठीक है। और 4 लड़के यहाँ थे, आफ्टर 15 डेज़ बाद तकरीबन उनके दोबारा टेस्ट हुए हैं और सारे नेगेटिव हुए हैं और आज उनको अपने अपने घरों में रवाना कर दिया गया। और ये सारी जो है टोटल आपके पास 5 पेशेंट थे इस कटरीना में? 5 थे सर। ठीक है। इस क्वारंटाइन सेक्टर में। ठीक है। तो DHO साहब की जेर निगरानी ये सारा चला है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरबराही में हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम भी नहीं आई और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करके इसको आज हमने वो सारे सस्पेक्टेड बंदे थे वो 5 के 5 बंदे अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। ठीक है। तारिक साहब, हमें ये बताएं कि यहाँ पर जो पेशेंट आपके पास होते हैं 14-15 दिन रहते हैं, तो उनके लवाकिन की मुलाकात के वाले से क्या आपके पास जो है ना वो उसका प्रोसीजर क्या है, या बिल्कुल कोई मिलने की इजाज़त नहीं है, उनकी देखभाल किस तरह होती है थोड़ा सा? असल में क्वारंटाइन का मकसद ही यही है कि आपने इनको पेशेंट को अपनी साइड पर रखना है। ठीक है। कोई किसी किस्म की इनके घर वालों के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। इवन मेन गेट से सब अपने अपनी जगह अलग अलग रूम्स में होते हैं तब जाके ये रिकवर करते हैं, तो इनको इजाज़त नहीं होती किसी किस्म से मिलने की ना किसी ठीक से। है। 15 दिन के बाद इनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं वो आप कहाँ, या ये टेस्ट इनके इस्लामाबाद से हुए हैं या NIH से होते हैं? इस्लामाबाद से जी। अभी तो मीरपुर में भी लैब की सहूलत मौजूद है ना, अभी जो आने वाले दिनों में अगर खुदा नास्ता को मरीज़ आता है तो उसके टेस्ट मीरपुर से ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पे DHQR में ये सहूलत मैसर होगी आपसे। जी बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि यहाँ पर मुलाजम भी हैं और इन्होंने हमें बताया है कि हमारे पास 5 मरीज़ थे और उनके जब अभी मौजूदा जो उनके टेस्ट हुए हैं वो टेस्ट नेगेटिव हुए हैं, तो उस वाले से उनको यहाँ पर से जो करंटीना सेंटर से वो घर भेज दिया गया है। अभी हम चलते हैं न्यू सिटी हॉस्पिटल में जहाँ पर जो है ना जो वहाँ की सूरत हाल है वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासर। जी नाज़रीन, मैं न्यू सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और अगर हम मेरे पीछे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो करंटीना वार्ड है जहाँ पर मरीज़ों को रखा जाता है। और आपको ये बात यहाँ हम बताते चलें कि जो बंगड़ीला का रिहायशी ज़हीर जो कि कोरोना टेस्ट इसका पॉजिटिव आया था, उसके बाद उसके वालद और वालदा की भी टेस्ट लिए गए थे, वो भी जो दोनों उसके वालद बशीर साहब और उसकी वालदा भी उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया था, इन तीनों मरीज़ों को भी यहाँ पर इस वार्ड में रखा गया है। जो आज मरीज़ चले गए हैं घरों को, बाकी 3 मरीज़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, ज़हीर और उसके वालद बशीर और उसकी वालदा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी जारी है।